शाहिल खान हुए अरेस्ट, साथ ही मनीषा रानी का भी आ रहा है इसमें नाम। जी हाँ दोस्तों, कई सारे दोस्तों न्यूज पेज बता रहे हैं महादेव वेडिंग केस में स्टाइल फेम एक्टर शाहिल खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें मनीषा रानी का नाम भी सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए किस तरीके से पुलिस ले जा रही है शाहिल खान को घसीटते हुए। बताया जा रहा है कि दोस्तों महादेव सट्टेबाजी केस में एक्टर शाहिल खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। एल्विस यादव और शाहिल खान दोनों ही घनिष्ठ मित्र है और दोनों नहीं कई बार एक साथ ब्लॉग और फोटो भी बनाए हैं। साथ ही दोस्तों, क्या एल्विस यादव भी इसमें किसी प्रकार भागीदारी है, जिसमें पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस भी गुड़गांव दस्तक दे सकती है। दोस्तों बात करें तो इसमें मनीषा रानी का नाम भी आ रहा है। महादेव वेडिंग केस में एक्टर शाहिल खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुनने में आ रहा मनीषा रानी भी इस मामले में अंदर जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो ये बेटिंग ऐप जहाँ पर शाहिल खान दोस्तों प्रमोट कर रहे थे, उसमें से कुछ बेटिंग ऐप है जिसमें दोस्तों बात करें तो एल्विस यादव भी वो सेम बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं और मनीषा रानी भी कई बार सेम ऐप इसको प्रमोट करती है। बात करें तो ये दोस्तों बात करें तो बेटिंग ऐप है जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पैसा देते हैं इन एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर को, जिसके बतौर ये दोस्तों बिना सोचे समझे जांच पड़ताल के दोस्तों इन्हें प्रमोट कर देते हैं। साथ ही कई टेलीग्राम ग्रुप भी प्रमोट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा कई सारे फ्रॉड होते हैं और दोस्तों जो अनजान लोग होते हैं और जो बात करें इनके फैंस होते हैं, इनको बड़ी रकम भी उनको सुकानी पड़ती है। कई बार उनके फ़ोन हैंग हो जाते हैं और उनके बैंक के सारा का सारा पैसा ही ये दोस्तों बेटिंग ऐप पर घसीट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी इस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, बात करें तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही एल्विस यादव को कहा जाता था कि ये बेटिंग ऐप दोस्तों रैंडम सेना द्वारा कहा गया था कि बेटिंग ऐप है जो इनको प्रमोट करना बंद कर दे, ताकि दोस्तों आने वाले समय में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।